हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमने अपने लट्टू गोपाल जी और राधा रानी की हरियाली तीज पर कैसे सेवा की। और हरियाली तीज वाले दिन ही छोटे लड्डू गोपाल जी का होता है बर्थडे, तो हमने बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, ये सारी चीज़ें आप वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने की ग्रीन कलर की ड्रेस तैयार, क्योंकि हरियाली तीज थी और मुझे हरे रंग की पोशाक ही ठाकुर जी को पहनानी थी। तो ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर पोशाक मैंने तैयार की है, और हरियाली तीज से एक दिन पहले ही ये पोशाक मैंने बनाई थी, और ड्रेस के साथ की पगड़ी भी बनाई है जो कि आप अभी आगे वीडियो में देखेंगे। तो हरियाली तीज की सुबह में मैं जल्दी से उठ गई थी, और अभी हो रहा है सुबह का 5 बज रहा है, स्नान वगैरह करके मैं आ चुकी हूँ। ठाकुर जी ठाकुराइन को स्नान कराया, वस्त्र धारण कराए, और देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना इस ड्रेस में हमारी राधा रानी। और यहाँ पे लगाऊंगी मैं अपने छोटे वाले कान्हा जी का सिंहासन, तो हम इन्हें यहाँ पे बिठाएंगे। और ये हैं हमारे बर्थडे बॉय, इनको एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। तो ये मेरा लाला है, ये 6 साल का हो गया मेरा लाला, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, क्यूट से, और सुबह ही उठ गए थे तो बस। और देखिए ये आई है इनकी बाँसुरी गिफ्ट में, तो एक मैया इनको एक दिन पहले ही दे गई थी बाँसुरी, तो बस हमने इनको गिफ्ट सबसे पहले दे दिया है उन मैया की तरफ से। और अब हम करेंगे अपने लाडू का श्रृंगार। तो आज मुझे करानी है घर में सत्यनारायण भगवान की कथा और कीर्तन, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है तो कुछ खास तो होना ही चाहिए। और पिछले साल तो मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने जो है कान्हा जी का बर्थडे बड़े ही अच्छे से मनाया था। तो कान्हा जी की कृपा से अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मुझे लगा क्यों ना कान्हा जी का बर्थडे धूमधाम से मनाया जाए। तो राधा रानी का देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सा श्रृंगार हो रहा है, और राधा रानी की बिल्कुल ड्रेस के मैचिंग की मुझे चूड़ियाँ नहीं मिली थी, तो मैंने जो है इनके लिए ले लिए चांदी के कड़े। तो हम जो है इनको चांदी के कंगन पहनाएंगे और साथ में इनको चूड़ियाँ पहनाएंगे। तो ये देखिए राधा रानी के कंगन हैं, और बड़े ही प्यारे लगे मुझे। तो हमारे ठाकुर जी तो हमेशा ही पहने रहते हैं, तो मुझे लगा क्यों ना राधा रानी के लिए भी लिए जाएं। और ये डिज़ाइन भी मुझे बहुत प्यारा लगा, ठीक से कैमरे में नहीं आ रहा है लेकिन बहुत सुंदर कंगन है ये। तो हमारी राधा रानी की है पहली तीज, तो कुछ गिफ्ट तो बनता था उनके लिए, तो हमने सोचा चलो क्यों ना उनको यही गिफ्ट दिया जाए। और हमारी लाडो इतनी है ही सुंदर कि वो बहुत प्यारी लगती हैं, उन्हें कुछ भी पहनाओ, हल्का सा भी उनका श्रृंगार करो ना, तब भी वो बहुत सुंदर लगती हैं। तो देखिए हाथ इनके कितने सुंदर लग रहे हैं। तो बस अब हम इनके बाल लगाएंगे और सुंदर सी बनाएंगे इनकी हेयर स्टाइल। तो हमारी लाडो के देखिए जो सिंदूर है वो हमेशा बालों में लगा रहता है, तो चलिए एक बार और सिंदूर लगा देते हैं, क्योंकि आज है हरियाली तीज, और हरियाली तीज पर राधा रानी का 16 श्रृंगार तो होना ही चाहिए। तो पैरों में पायल पहनी हुई हैं राधा रानी, और एक दिन पहले ही मैंने इनका कलर थोड़ा ठीक किया था, तो आलता मैंने पैरों में लगाया हुआ है। तो देखिए अब हम ये वाली हेयर स्टाइल बनाएंगे, इसमें हमारी राधा रानी ना बड़ी ही सुंदर लगती हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा श्रृंगार हुआ है इनका। तो अब हम इनको पहनाएंगे इनके कानों में इयररिंग्स। तो ये झुमकी मैं इनके लिए नई लेके आई हूँ, और देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। तो जो मेरे साथ गई थी वो कह रही थी कि ये तुम भी अपने लिए ले लो कुछ, तो मैंने कहा नहीं, मुझे पता नहीं क्यों मुझे शौक ही नहीं है, जब से मेरी राधा रानी आई है मुझे ऐसा लगता है कि सारा कुछ श्रृंगार मैं अपनी लाडो का करूँ, मुझे किसी भी चीज़ का कोई शौक़ नहीं है, मैं ये सब नहीं पहनती हूँ। तो देखिए अब हम इनको मांग टीका लगा देंगे, और हमारी लाडो बड़ी सुंदर लगेंगी। और पता है जब राधा रानी का हम श्रृंगार करते हैं ना, तो बड़ी खुशी मिलती है, लाडो इतनी खुशी अपने चेहरे से झलकाती हैं कि क्या बताएं। तो आँखों में ना कभी कभी तो आंसू आ जाते हैं इनका श्रृंगार करते पे, कि इतना सुंदर रूप दिखाती हैं ये। तो ग्रीन कलर की मैंने बिंदी लगा दी है, और अब हम इनको इनका दुपट्टा उड़ा देंगे। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। तो आप लोग भी ज़रूर से बताइएगा कि हमारी लाडो का श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है, साथ ही ड्रेस और ज्वेलरी उनकी कैसी लग रही है। तो बस अब हम करेंगे अपने ठाकुर जी का श्रृंगार, और ठाकुर जी के लिए मैं कोई भी नई चीज़ नहीं लाई हूँ, केवल ड्रेस और पगड़ी मैंने नई बनाई है। तो ये हार हम पहना देंगे ठाकुर जी को, और ठाकुर जी की चीज़ें ना कभी भी आ जाती हैं, मतलब ऐसा कोई दिन कोई फिक्स नहीं है उनके लिए, कभी भी इयररिंग्स आ जाते हैं, कभी भी कोई हार माला आ जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए ये मैंने बनाई है इनके लिए सुंदर सी पगड़ी, और कितनी प्यारी बनी है।
तो बस हम इनको ये धारण करा देते हैं। ये देखिए तो लग रहे हैं ना हमारे सेठ। तो इनकी हम दे देते हैं बांसुरी और हमारे सेठ सेठानी तैयार हैं बिल्कुल सज के, क्योंकि भैया घर में इतना बड़ा फंक्शन होने वाला है तो इनका सजना संवरना तो बनता है। तो अब हम करेंगे अपने बर्थडे बॉय का श्रृंगार। तो देखिए मैं लाई थी इनके लिए ये माला और साथ में ये लाई हूँ इनके लिए चांदी के कड़े। तो इनकी चांदी की बांसुरी तो एक मैया इनकी दे ही गई हैं, तो इनको भला हम दे ही क्या सकते हैं, ये तो सब कुछ हमें देते हैं, हम इन्हें क्या देंगे। लेकिन फिर भी छोटा मोटा तो गिफ्ट बनता ही है। और बाकी तो मेरे ऐसे कोई भी वो नहीं है कि मैं इन्हें बर्थडे पे ही कुछ दूँ, मैं इनको समय समय पे कुछ ना कुछ लाती ही रहती हूँ। साथ ही ड्रेस तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी बना के पहनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका अलग अलग पोशाक में जब मैं श्रृंगार करती हूँ। तो ये मैंने बनाई है सुंदर सी पगड़ी इनकी, तो इनको पगड़ी लगा दी है और देखिए मेरा लाला कितना सुंदर लग रहा है। तो बस यहाँ पे इस तरह से हमने श्रृंगार कर दिया। अच्छा, इसके बाद जो जो वीडियो मुझे मिली वो मैंने इसमें ऐड की हैं, और बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो मुझे नहीं मिल पाई क्योंकि किसी ने बनाई ही नहीं, सब मस्ती में मग्न थे। तो देखिए, तो अब ये हो रहा है दोपहर का समय और अब आ चुके हैं पंडित जी। तो पंडित जी लाए थे गाय का कच्चा दूध और कच्चे दूध से ठाकुर जी को उन्हें स्नान कराना था। तो सुबह में तो हम स्नान करा ही चुके थे, लेकिन ठाकुर जी का स्नान उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे सामने दोबारा से आप कराइए। तो फिर हमने जो है उनका गाय के कच्चे दूध से स्नान कराया, जो कि मुझे नहीं मिलता है। तो ये हमने जो है पंचामृत में मिला दिया था। और सुबह में हमने माखन मिश्री का एक केक बनाया था, वो कट करा दिया था। और उसके बाद में देखिए घर के सारे काम किए मैंने और सारी तैयारियां की, प्रसाद बनाया, सारा कुछ अकेले ही करना था। और साथ ही में हरियाली तीज की पूजा भी करनी थी, माता पार्वती की, भोलेनाथ की, तो वो भी की। पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, पूजा की मैंने। और तब तक पंडित जी आ चुके थे, तो फिर पंडित जी के साथ फिर सारी ये पूजा की तैयारी कराई और बड़े ही अच्छे से हम लोगों ने पूजा की। तो ठाकुर जी बड़े ही प्रसन्न नज़र आ रहे थे, गाय के कच्चे दूध से स्नान कराया तो क्यों नहीं खुश होंगे, वो ज़रूर खुश होंगे। और ठाकुर जी के साथ साथ ना पंडित जी भी बड़े खुश हो रहे थे ठाकुर जी के दर्शन करके, कह रहे थे बहुत सुंदर लग रहे हैं, दरबार बहुत सुंदर सजाया है। तो हमने कहा हमारा तो दरबार ऐसे ही हमेशा सजा रहता है। तो बस यहाँ पे पूजन शुरू करा दिया था पंडित जी ने और ठाकुर जी को भोग लगा दिया था, तुलसी पत्र अर्पित कर दिया था। तो देखिए अब यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं और कथा हुई, फिर उसके बाद हवन हुआ और फिर शुरू हो गया था यहाँ पे कीर्तन। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग आए हुए हैं और सभी लोग बड़े खुश हैं। लल्ला की सुन के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन आए, हम जियो हजारों साल, ये दिन हो।
पचास हजार हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे चम्मच। तो बस कुछ इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट किया, फिर सबने केक खाया, भोग प्रसादी खाई, बड़ा ही आनंद आया। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे, राधे।